नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में भाई ब्लड लाइन की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होने वाली है, और भाई ऐसा कंफर्म हो रहा है कि वहाँ में जिमी उसे देखने को मिलेगी। दोस्तों इस बारे में बात करेंगे। टॉप रेसिंग चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि भाई मैं टॉप रेसिंग चैनल से रिलेटेड एक से एक वीडियो और एक से एक अपडेट लाता रहता हूँ दोस्तों। भाई बिल्कुल एक से नए भाई अपडेट आप तक पहुँचाता रहता हूँ दोस्तों। तो इसलिए भाई वीडियो में अगर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों लाइक जरूर कर देना, और भाई ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना दोस्तों। सबसे पहले भाई ब्लड लाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्लड लाइन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे भाई नेक्स्ट वीक सेरेमनी होने वाली है इनकी एक्नॉलेजमेंट, जैसा भाई हम जानते हैं। और भाई वहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जिमी उषो का शो अप होगा। भाई मैंने बहुत पहले बताया था कि रोमन रेंज से पहले जिमी उषो का रिटर्न होगा, और अब ऐसा लग रहा है कि भाई जिमी उषो यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगे। और दोस्तों अगर भाई ऐसा होता है कि यहाँ पे जिमी उषो हमें देखने को नहीं मिलते, तो भाई मनी इन द बैंक का जो हमारे को आज ही ऑफिशियल मैच जो कन्फर्म हुआ है रॉ के अंदर, भाई जहाँ पे ब्लड लाइन लेगी भाई कूडी रोड्स, केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन को, वहाँ पे भाई जिमी उषो को हमें देखने को मिल सकता है। अगर भाई ब्लड लाइन का जो भी फोर्थ मेंबर नहीं है भाई वो डिस्ट्रैक्ट करा है यहाँ पे, तो भाई वहाँ जिमी उषो को भी हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर दोस्तों जिमी उषो का रिटर्न हो गया तो भाई यही सोच लेना कि समर स्लैम तक भाई रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो भाई कन्फर्म होता जा रहा है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवमेंट हमारा अब आगे देखने को मिलेगा ब्लड लाइन की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट की तो बात करते हैं भाई। यहाँ पे थोड़ी सी फनी पोस्ट है भाई ब्लड लाइन की तरफ से, क्योंकि ब्लड लाइन का क्योंकि मैंने बताया था थोड़ा बड़ा अपडेट रहेगा। तो भाई ब्लड लाइन पर यहाँ पे देख सकते हैं रोमन रेंस के 5 गेट है, जिमी उषो के 2 गेट, जिमी के भी 2 गेट, सोलो के 3 गेट, जैकॉब के 7 किट, रिकेशी के 5 किट, टामा टोंगा टामा लोया के 2 और 3 किट्स। तो मतलब ब्लड लाइन भाई अभी काफ़ी आगे तक फैलने वाली है, जिसका अंदाज़ा किसी को भी यहाँ नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट की तो बात करूँ भाई यहाँ पे निकी क्रॉस की तरफ से। दोस्तों निकी क्रॉस ने भाई एक पैक यहाँ पे दिया था माइकल कॉल को, भाई माइकल कॉल ने जब भाई देखा तो उस पैक पे पैड मैकाफी का नाम लिखा था, और पैड मैकाफी आज के रॉ में हमें देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों डब्ल्यू वाली भाई काफ़ी बड़ी यहाँ पे स्टोरी लाइन करने वाली है भाई वाई फैमिली की तरफ से। पहले भाई इसमें जैक केबल इंक्लूडिंग थे, और अब भाई पैड मैकाफी भी इंक्लूडेड हो गया। तो देखते दोस्तों आगे भाई यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट पोस्ट के दोस्तों बारे में बात करें भाई, फाइनली जो हमारे ऑसम ड्रू है वो अपनी टैग टीम चैंपियंस हार गए, और भाई जजमेंट डे बन गए वापस से एक बार न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियंस। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिला, क्योंकि भाई फाइनली जजमेंट डे न्यू टैग टीम चैंपियंस जीत चुकी है, और भाई इनका जो क्रेडिट है वो किसी को नहीं बल्कि लिव मॉर्गन को जाता है, जैसा हमें देखने को मिला। तो भाई लिव मॉर्गन फाइनली भाई रिया रेपली की जो कमी है जजमेंट डे में उसको पूरा कर रही है। मेरे को भाई अब ऐसा लग रहा है कि जो रिया रेफरी है भाई उनको पूरी जजमेंट डे भूल जाएगी एज अ स्टोरी लाइन, और लिव मॉर्गन के साथ में रखेंगे। उसके बाद अगर दोस्तों हमें लिव मॉर्गन का रिटर्न देखने को मिलता है तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवमेंट होगा। अगर भाई कोई ऐसा वैसा मूवमेंट हमें लिव मॉर्गन का देखने को मिलेगा तो भाई वहाँ पर रिया रेफरी हमें देखने को मिलेगी। बाकी देखते हैं दोस्तों नई स्टोरी लाइन अभी यहाँ पे बन रही है उसमें भाई क्या होता है। नेक्स्ट पोस्ट की दोस्तों बात करते हैं भाई, यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर ने भाई फाइनली वो बैंड मैंने आपको बताया था कि वो भाई एजे ली का ही बैंड था एजे ली के नाम से, लेकिन भाई उनमें उनका जो डॉग्स था भाई सीएम पंक का लेरी उनका भी नाम लिखा होता है भाई। यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर ने थोड़ा सा मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक अजीब लगा, क्योंकि भाई ड्रू मैकइंटायर ने उनके डॉग को बोला कि स्टूपिड डॉग जो उनके डॉग का नाम था लेरी भाई वो भी लिया। तो भाई ये थोड़ा सा एक अजीब मोमेंट था ड्रू मैकइंटायर की तरफ से। खैर दोस्तों ड्रू मैकइंटायर का नेक्स्ट वीक इनको मैच मिल चुका है अपना क्वालिफाई मनी इन द बैंक मैच। हो सकता है भाई यहाँ पे सीएम पंक जो है वो डिस्ट्रैक्ट करवा दे, और अगर भाई यहाँ नहीं कराते और ड्रू मैकइंटायर मनी इन द बैंक में क्वालिफाई में चले जाते तो भाई वहाँ पक्का भाई सीएम पंक आएंगे। तो भाई नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे सैमी जेन और ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। दोस्तों फाइनली इनका मैच कंफर्म हो गया है मनी इन द बैंक में, और भाई मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं चाहूँगा भाई यहाँ पे जो ब्रॉन ब्रेकर है वो विन कर जाए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर सच में भाई काफ़ी कुछ डिजर्व करते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेसलर, और स्टोरी लाइन के हिसाब से अगर भाई ये रेसलर हमें मनी इन द बैंक में विन करते हुए देखते तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, फाइनली भाई जैक एवल ने क्वालिफाई मैच जीत लिया, जबकि पहले भाई ऐसा लग रहा था कि ये उनके कब्जे में है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है और ये जीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद भाई आज के रो में हमें फिर से भाई कुछ डिस्ट्रैक्ट देखने को मिली वाई फैमिली की तरफ से। अब देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी लाइन में क्या होता है। नेक्स्ट पोस्ट की दोस्तों बात करें भाई, यहाँ पे गंटर की तरफ से। गंटर भाई दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं भाई, सेट रॉलिंस को भी और डायमंड प्रिंस को भी। तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि गंटर के दिमाग में भाई कुछ ना कुछ भाई बहुत तगड़ा यहाँ चल रहा है, क्योंकि आज के रो में भाई फाइनली जो गंटर है वो अपना किंग ऑफ द रिंग का जो क्राउन है भाई उसको लेकर तक नहीं आया भाई, वो पहनते भी नहीं थे और आज लेकर भी नहीं आए। तो भाई ऐसा फील हो रहा है कि स्टोरी लाइन के हिसाब से इनमें से जो भी जीतेगा भाई मनी इन द बैंक में, लेकिन वो उसका मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर समर स्लैम की यहाँ पे बात करूँ तो फाइनली भाई गंठर ही हमारे को न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन देखने को मिलेंगे समर स्लैम में, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मूवमेंट हो जाएगा अगर गंठर भाई यहाँ पे जीत गए उनके करियर के लिए। नेक्स्ट पोस्ट की दोस्तों बात करते हैं भाई, यहाँ पे हमें देखने को मिले भाई ब्राउन स्ट्रोबिन उनके फादर, जो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट देखने को मिली।
नेक्स्ट पोस्ट की बात करता है दोस्तों, स्क्रेवन वुड्स की तरफ से उन्होंने बोला कि भाई उन्हें भी अपनी जिंदगी में अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के करियर में एक बार सिंगल टाइटल भाई यहाँ पे जीतनी है। नेक्स्ट और फाइनल पोस्ट की दोस्तों बात करते हैं नेविल के बारे में। दोस्तों आज की भाई नेविल की तरफ से मैंने एक पोस्ट देखा था जहाँ पे भाई ये लिखा होता कि नेविल को भाई सभी के सभी बंदे भूल चुके हैं। खैर दोस्तों ऐसी बात नहीं है, नेविल भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ चुके हैं, इसलिए शायद हो सकता है कि भाई कई बंदों ने भूल चुके, लेकिन भाई आज भी वो काफ़ी बंदों के दिल में है। तो दोस्तों नेविल के बारे में बाकी अपडेट के बारे में बाद में बात करेंगे। टॉप पर सिंह चैनल में नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर दे।